हेलो बच्चों, आज हम भारत, जलवायु, वनस्पति एवं वन्य प्राणी के भाग एक पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जलवायु के परिचय पे, भारत के प्रमुख मौसम पे और झारखंड के मौसम पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं जलवायु से। बच्चों, आप दिसंबर के महीने में ऊनी वस्त्र पहनते हैं, वहीं पे मई और जून का जो महीना है उसमें बहुत गर्मी होती है और जुलाई अगस्त का महीना जो है वो वर्षा ऋतु होता है। तो आपके मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो बच्चों, आपके इन सभी सवालों का जो जवाब है आपको इस अध्याय में मिलेगा। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं जलवायु के परिचय से। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जलवायु किसे कहते हैं। बच्चों, किसी विशाल क्षेत्र में अनेक वर्षों में मापे गए मौसम की औसत दशा को ही जलवायु कहते हैं। बच्चों, जनरली भारत की जो जलवायु है उसे मानसूनी जलवायु कहा जाता है। बच्चों, ये जो मौसम होता है वो एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि तापमान, वायुमंडलीय दबाव, पवन, आर्द्रता और वर्षा जो है ये सारे जो है जलवायु के तत्व हैं। अर्थात किसी क्षेत्र की जलवायु जो है इन सभी तत्वों पे निर्भर करती है। बच्चों, आपको पता है ये जो मानसून शब्द है यह एक अरबी शब्द है। अर्थात यह अरबी शब्द मौसम से लिया गया है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। बच्चों, अब यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि मौसम किसे कहते हैं। तो वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाले बदलावों को ही हम मौसम कहते हैं। बच्चों, इसमें तापमान, सूर्य की विकिरण, वर्षा आदि को शामिल किया जाता है। आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो है मेघालय में स्थित मासिनराम में होती है और वहीं दूसरी ओर भारत में कभी कभी तो राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे भारत के प्रमुख मौसम पे। तो बच्चों, मुख्यतः भारत में चार मौसम होते हैं। पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा शीत ऋतु, तीसरा वर्षा ऋतु जिसे कि दक्षिण पश्चिम का मानसून भी कहा जाता है, और चौथा शरद ऋतु जिसे मानसून के लौटने का मौसम भी कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सभी मौसम पे एक एक करके चर्चा करते हैं। तो बच्चों, भारत के प्रमुख मौसम पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए हम शुरुआत करेंगे शीत ऋतु की चर्चा से। बच्चों, यह मौसम भारत में दिसंबर से फरवरी तक रहता है और इस मौसम में जो है सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ती हैं, जिसके कारण उत्तर भारत का तापमान जो है कम हो जाता है और उत्तर भारत के लोगों को कड़ाके सर्दी का अनुभव होता है। बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा भारत के प्रमुख मौसम पे जारी रखते हुए अब हम चर्चा करेंगे ग्रीष्म ऋतु पे। बच्चों, ग्रीष्म ऋतु भारत में मुख्यतः मार्च से मई तक रहता है। इस समय सूर्य की किरणें जो है अधिकतर भारत पे सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण भारत में तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और दिन के समय
गर्म एवं शुष्क पवन बहती है, जिसको कि हम लू कहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और भारत के प्रमुख मौसम पे अपनी चर्चा को जारी रखते हुए अब हम चर्चा करेंगे वर्षा ऋतु अर्थात आगे बढ़ता हुआ मॉनसून। बच्चों, इस मौसम में मॉनसून शुरू हो जाता है और आगे बढ़ता है। मॉनसून पवन अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़ती है और यह पवन जो है अपने साथ नमी लेकर आती है। जब ये नम पवन पर्वतों की बाधा से टकराती है तो इससे भारत में वर्षा होती है। बच्चों, आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि कौन से स्टेट में किस समय जो मॉनसून है आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा भारत के प्रमुख मौसम को जारी रखते हुए अब हम चर्चा करेंगे लौटता हुआ मॉनसून या शरद ऋतु। बच्चों, भारत में शरद ऋतु अक्टूबर और नवंबर में पड़ती है। इस मौसम में मॉनसून पवन भारत के मुख्य भूभाग से बंगाल की खाड़ी की ओर लौटने लगती है। इस मौसम में भारत के दक्षिणी भागों में वर्षा होती है और इस मौसम में वर्षा विशेष रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होती है। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अब चर्चा करेंगे झारखंड के मौसम पे। बच्चों, झारखंड में मुख्यतः तीन मौसम देखे जाते हैं। पहला ग्रीष्म ऋतु, दूसरा वर्षा ऋतु और तीसरा शीत ऋतु। तो बच्चों, झारखंड में ग्रीष्म ऋतु का जो आरंभ है वो मार्च महीने में हो जाता है और ये लगभग मध्य जून तक चलता है। बच्चों, अप्रैल तथा मई के महीने में सूर्य के उत्तरायण होने की स्थिति के साथ साथ धूप के कारण दिन का तापमान जो है बहुत बढ़ जाता है। बच्चों, संपूर्ण राज्य में मई के महीने में भीषण गर्मी पड़ती है, अर्थात मई का महीना जो है वो सबसे ज्यादा गर्म महीना होता है। बात अगर हम करें वर्षा ऋतु की, तो वर्षा ऋतु मध्य जून से आरंभ होकर अक्टूबर तक चलती है। अर्थात बच्चों, मध्य जून से अक्टूबर तक झारखंड में वर्षा ऋतु का समय होता है और इस समय राज्य में दक्षिण पश्चिम मॉनसून का समय माना जाता है। शीत ऋतु जो है नवंबर से शुरू होके फरवरी तक चलती है। बच्चों, इस ऋतु में पवन की दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने जलवायु के परिचय पे चर्चा की। उसके अलावा हमने भारत के प्रमुख मौसम पे भी चर्चा किए और हमने झारखंड के मौसम के बारे में भी चर्चा की। इन सब का रेफरेंस है भूगोल कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। और बच्चों, अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्राकृतिक वनस्पति पर, झारखंड की प्राकृतिक वनस्पति पर, वनों की आवश्यकता पे, वन प्राणियों पे और वनों के उपयोग पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।